वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं लूसेंट के अपने पार्ट टू को है ना जो हमारा पार्ट वन है जो कि 500 क्वेश्चन का था वो ऑलरेडी आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोगों में से जिसने भी नहीं देखा उस सेशन को देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव से लेकर के और एक क्वेश्चन तक ठीक है सिर्फ आप सुनते जाएँ और आपको कुछ समझना नहीं है सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट होंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 501 भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है आपका अप्सरा है भारत की प्रथम बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए प्रथम मतलब कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष मानसून हवाएं कहाँ सी होती हैं आपकी वर्षा ऋतु से मिड डे मील की योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी उन्नीस सौ पंचानवे में बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ये ईयर आप याद रखना ठीक है नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका प्रशांत महासागर तो 505 क्वेश्चन हो गए हैं आगे बढ़ते हैं 506 पे एक बात और बता दूं 10 सेकंड में आप लोगों में से जिसको मेरी स्पीड कम लग रही होगी यहां पे तीन डॉट आ रहा है राइट साइड में वहां पे क्लिक करोगे नीचे आपको एक स्पीड का ऑप्शन आएगा वहां से आप मेरी स्पीड घटा बढ़ा सकते हो रिलीजन सेशन है इसलिए तेजी से चलूंगा है ना चलो फाइव विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका प्रशांत महासागर हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह माने गए हैं आपके हमारे सौर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका बृहस्पति स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है आपकी एच वन एन वन स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था उनका मूल शंकर और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है आपके सिलिकॉन की और दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था तो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था नेक्स्ट है 514 कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी ये भी शाहजहां ने और भारत का राष्ट्रीय जालयू जलीय जीव कौन सा है आपका गंगा डॉल्फिन है ना आगे बढ़ते हैं फाइव वन सिक्स पे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है आपका मोर है नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है आपकी बृछेंद्री पाल है ना नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है आपकी संतोष यादव दोनों क्वेश्चन लोग बहुत गलत करते हैं आपसे सिर्फ अगर पूछा जाता है कि पहली चढ़ने वाली महिला कौन है भारतीय तो आप बिछेंद्री पाल बताओगे लेकिन यह पूछा जाए कि दो बार ऐसी कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है तब आपका आंसर संतोष यादव होना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ें फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है आपका दादा साहेब फालके पुरस्कार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 520 पे कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है आपकी हाइड्रोजन गैस वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे 521 वो था आपका हुमायूं नेक्स्ट है कि वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है इनका फुटबॉल से है 523 कि अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था डायनामाइट का अल्लाह रखा किस वाद यंत्र के लिए मशहूर थे आपका ये तबदला नहीं होता है तबला होगा ठीक है ऐसे टाइपिंग के लिए दे दो ना तो इसे पता नहीं क्या ही लिख देते हैं नेक्स्ट है 525 कि आगा खाँ कब किस खेल से संबंधित है आपका हॉकी से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी तो सिंगापुर में नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो मदन मोहन मालवीय साहब थे नेक्स्ट है 521 ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है ये आपके गोल्फ से हैं। next है नेक्स्ट है फाइव ट्वेंटी नाइन बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ये आपका असम का है फाइव थर्टी बीजक का रचयिता कौन है आपके कबीर साहब हैं। फाइव थर्टी वन वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है ये आपका हैदराबाद में है ठीक है फाइव हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है आपका आठ अक्टूबर को इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था मेहर सैन 534 इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है आपका पेरिस में है 535 इसरो का सौवाँ मिशन कौन सा था आपका पी एस एल बी ये इसरो का सौवा मिशन था बहुत बारी क्वेश्चन अभी एसएससी का पेपर होते हैं बहुत रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन नंबर फाइव थर्टी सिक्स उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है इसका रीजन क्या है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा कम होता है ना 537. कि ब्रिटिश शासक ने किस किन स्थानों के पहली बार पहली रेलवे लाइन शुरू की थी तो मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन स्टार्ट की गई 538 के ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दादा भाई नेहरू जी 539 की भरत नाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है ये आपका तमिलनाडु का है नेक्स्ट है 540 फोर्टी भाखड़ा भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है आपका सतलज नदी 541 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आपका एस एसिड और 552 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपकी स्कर्वी होती है 543 कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं यह आपके नाइक्रोम के बने होते हैं तो हमने 543 कवर किया 544 कि हीमोग्लोबिन की की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका एनीमिया है और उबेर कप किसके लिए दिया जाता है महिला बैडमिंटन में उबेर कप दिया जाता है 5.46 की उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस यंत्र से है ये तबला बजाते थे और एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये आपके स्किन को यानी कि त्वचा को प्रभावित करता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था ये आपका रौनजन साहब ने किया और धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट है धृत के सारथी का क्या नाम था ये उनका नाम था संजय ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं फाइव फिफ्टी वन पे साढ़े पाँच सौ क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं तो अब इसकी पीडीएफ आपको कहा मिलेगी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं पार्ट टू लाऊंगा तो इसकी पीडीएफ बताऊंगा कैसे मिलेगी कहाँ मिलेगी तो सिर्फ वीडियो को देखते जाओ अभी मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलो फाइव फिफ्टी वन कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है आपका जयपुर है पिंक सिटी 552 कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो यहाँ पर थ्री वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होता है नेक्स्ट है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है उसमें यूरोक्रोम के कारण जो यूरिन होता है उसका रंग येलो होता है 554 फिफ्टी फोर मेघ दूध की रचना किसने की थी कालिदास ने विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका पामीर जिसको हम लोग तिब्बत का पठार भी बोलते हैं फाइव विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है आपका एवरेस्ट है और हवा महल कहां पर स्थित है यह आपका जयपुर में है 558 हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है जैसा कि नामी है तो क्या होगा काला होगा 559 फिफ्टी नाइन ऑफ स्पीशीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे आपके चार्ल्स डेरविन साहब फाइव सिक्सटी ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल किस क्षेत्र से है आपका फिल्म से है फाइव कंप्यूटर की आस्थाई स्मृति क्या कहलाती है जिसको हम लोग रैम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है रीड ओनली मेमोरी जिसको शॉर्ट फॉर्म में रोम भी बोला जाता है देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ प्रसिद्ध है यह आपका भोपाल में स्थित है जो कि कहाँ पे है मध्य प्रदेश में देश का सर्वोच्च सौर्य पुरस्कार जो कि परमवीर चक्र सर्वप्रथम इसे दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 565 पे कि भारत का फिल्म निर्माण में विश्व का कौन सा स्थान है तो ये आपका प्रथम स्थान है नेक्स्ट है 566 भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति जिसको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं कौन प्रसिद्ध है दादा भाई नेहरू जी नेक्स्ट है फाइव सिक्सटी सेवन मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं सिक्स थर्टी नाइन और नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है आपकी छोटी आंत में जिसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोला जाता है 569. विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जिसको हम लोग न्यूयॉर्क बोलते हैं कहाँ पे है ये अमेरिका में विश्व का सबसे लंबा जो कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कि रसिया में है किन दो शहरों को जोड़ता है ये आपके सेंट पीटर्सबर्ग और ये ब्लादी को एक दूसरे से जोड़ता है ठीक है 571 हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है सक संवत है नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दुग्ध मेखला जिसको हम लोग मिल्की वे भी कह सकते हैं नेक्स्ट है कि 573 स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया और नेक्स्ट है कि स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है यह आपका हरियाणा का है 575 कंप्यूटर के संदर्भ में ए एल यू का तातेपर किससे होता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से होता है 576 कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं ये आपके पंजाब से है ठीक है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 577 पे कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी 1911 में 578 दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना स्टार्ट किया था तो कुतुबुद्दीन एबक ने और भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे दे सकता है तो उपराष्ट्रपति को देता है और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है ये आपका बाघ है नेक्स्ट है लेखक कौन है महात्मा गांधी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है आपका तेंजिंग नोर्गे नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध क्रीड जिसको हम लोग पत्थर काट कर बनाया गया है कैलाश मंदिर वो कहाँ पर स्थित है आपका एलोरा में नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है आपका गुड़गांव में और वायु का दबाव किसके कारण होता है तो घनत्व की वजह से वायु का जो दबाव होता है प्रेशर होता है उसी की वजह से होता है नेक्स्ट है कि वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है आपका बेंगलुरु में है फाइव एट्टी सेवन अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं चौबीस और नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी तो ये इनका नाम है पाणिनी है ना 589 ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां पर की गई एथेंस में की गई जो कि कब हुई थी 1896 में नेक्स्ट है 591 बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है तो ये टंगस्टन का होता है फाइव बांग्लादेश की मुद्रा क्या है आपकी टका मानी गई है, है ना आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 593 पे ठीक चलो बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है तो भास्कर को नेक्स्ट है कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है आपका हॉकी में और नेक्स्ट है कि वास्को डगामा कहाँ का रहने वाला था पुर्तगाल का वास्को डगामा भारत कब आया था चौदह में नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे वोमेश चंद्र बनर्जी जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू सी बनर्जी भी आपको दिखा हुआ एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा है ना नेक्स्ट है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां पर स्थित है आपकी देहरादून में उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये आपका शिप्रा नदी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स हंड्रेड उड़न परी किसे पुकारा जाता है तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है ना तो देखते देखते हम लोगों ने छह क्वेश्चन कवर कर दिए हैं सेशन पसंद आ रही हो मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे जो भी लोग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने भी लोग मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी लूसेंट की बहुत सारी आपको वीडियोस दे देखने को मिल पाए ठीक है चलो भाई स्टार्ट करते हैं 601 पे कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है तो 1.676 मीटर होती है 602 ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो लैंड स्टेनर ने की थी नेक्स्ट है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था जेम्स वॉट ने किया और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है ट्रांबे जो कि कहां पे है मुंबई में नेक्स्ट है 605 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बाजपन होता है ठीक e है क्वेश्चन नंबर 607 हिमानी जिसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं बर्फ का विशाल पिंड कहां पर है तो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है ठीक है नेक्स्ट है सिक्स जीरो एट पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था छः अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस को और ऋतु में किन कारणों से होती हैं तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है उसी वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस होती हैं यही रीजन होता है ऋतु संहार जिसको हम लोग कुमार संभो, कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचनाएँ हैं आपकी कालिदास की रचनाएँ हैं नेक्स्ट है कि एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है तो हरप्रीत अहूलवालिया ये एयर इंडिया में ये पायलट बनने वाली पहली लेडी है ये नेक्स्ट है सिक्स वन टू एल गैस में क्या होता है तो इसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है एक छोटी सी आपको न्यूज़ मैं दे दूँ या फिर आप कह सकते हो इसको कि आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए जिस भी क्वेश्चन में इस पूरे सेशन में आपको ये लिख जाए कि पहला शब्द जहाँ पर भी आपको देखने को मिले मिलेगी क्वेश्चन के चांसेज नाइन्टी होते हैं कि आपके एग्जाम में बनी जाते हैं ठीक है क्योंकि तो पहले वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको बहुत ध्यान से समझिएगा जैसे सिक्स कौन सा क्वेश्चन था कि एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला तो पहली प्रथम महिला का जहां भी नाम आएगा वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रटा होना चाहिए ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स वन थ्री की है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है आपके हॉकी से हैं सिक्स वन फोर धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है तो सेवेंटी पानी है सिक्स भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा गया और भारत का पहला परमाणु परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है अप्सरा है जो कि इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन था अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स वन सेवन मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी उन्नीस सौ चालीस में और सिक्स वन एट है मुस्लिम का सबसे पवित्र धर्म स्थल कौन सा है आपका मक्का है 619 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है आपका नेपाल में और विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है वेटिकन सिटी है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं उदय भानु हंस और हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण जिसको इंग्लिश में फोटो भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्वेंटी थ्री कि ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है आपका ओडिशा का है नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है आपका केरल का है नेक्स्ट है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाता है आपका हार्डवेयर कहलाता है कंप्यूटर में भाषा में डब्लू डब्लू डब्ल्यू का अर्थ क्या है इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब क्वेश्चन नंबर 627 दूरबीन का आविष्कार किसने किया था जिसको तो? गैलीलियो ने किया था और नेक्स्ट है कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है या आपका क्रिकेट से है ठीक है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्वेंटी नाइन पे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है आपका अहमदाबाद को और नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है आपका यकृत जिसको लीवर भी कह सकते हैं सिक्स थर्टी टू मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है आपके गुर्दे को नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है आपका जिराफ है और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है इस क्वेश्चन में भी देखो पहली महिला लग गया इस क्वेश्चन को भी रट लेना है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है यह है वैलेंटाइना तेरेस्कोवा ठीक है 635 हंसाने वाली गैस कौन सी है लाफिंग गैस जिसको हम लोग बोलते हैं एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है आपकी कास युग से संबंधित है नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे सी राजगोपालाचारी नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है आपका अमृतसर में है 639 थर्टी नाइन कॉमनवेल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था एनी बैसेंड ने क्वेश्चन नंबर 640 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था 1916 में दास कैपिटल किसकी रचना है आपकी काल मार्क्स की और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था आपका बहलाल लो, बहलोल लोधी क्वेश्चन नंबर सिक्स फोर्टी थ्री भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है आपका कमल है राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है आपका बरगद है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे किसके महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे वाई बी चौहान साहब ठीक है अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 646 पे कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मुद्रा मृदा कौन सी है जिसको मिट्टी भी आप कह सकते हो तो काली मिट्टी है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था सन अठारह में और किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता तो विटामिन के बेटा भारत भारत का का राष्ट्रीय राष्ट्रीय फल कौन कौन सा सा है 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 आपका आम है. और भारत का फूल कौन सा माना गया है? आपका कमल होता है ठीक तो हो है तो साढ़े छह सौ क्वेश्चन कवर हो गए हैं आगे हम लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स फिफ्टी वन पे कि भारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था देव था महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है तो गोदावरी नदी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है वॉशिंगटन में और 654 है विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है तो ये पांच संस्थाओं का समूह है 655 स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो सी राजगोपालाचारी सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोग राजू पटाभी सीता रमैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है आपका आंध्रा बैंक 657 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया सन उन्नीस में है ना तो हम लोगों ने 657 क्वेश्चन कवर किए एक छोटी सी और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिसको मेरी स्पीड कम ज्यादा लग रही हो बार बार आपको मैं कह रहा हूं तो परेशान मत होना यहां राइट साइड में आप देखोगे तीन बटन आपको दिखेंगे पॉइंट दिखेंगे उस पर क्लिक करना नीचे स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा तो आप इस वीडियो की स्पीड कम ज्यादा भी कर सकते हैं ठीक है तो वहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर देना है ना चलो आगे बढ़ रहे हैं 658 पे कि की कांसा किसकी मिश्र धातु है तो ये तांबा और टिन की है 659 दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है आपका क्रिकेट से है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था तो 385 किलोमीटर उन्होंने कवर किया था 661 तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है आपकी अवधी बोली में 662 तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है आपकी आंध्र प्रदेश की और डी सी एम ट्रॉफी किससे संबंधित है आपकी फुटबॉल से डी एन ए की दिव कुंडली का पता किसने लगाया था तो वॉटसन और क्रिक ने लगाया था आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्सटी फाइव पे कि भारत की तट रेखा की कि लंबाई कितनी है आपकी सात हज़ार पाँच सौ सोलह किलोमीटर है सिक्स सिक्सटी सिक्स भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है आलम आरा है नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी तो तीस जनवरी उन्नीस को नाथू गोड़से ने किया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने किया किसने कहा था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा था भारतीय स्टेट बैंक और विश्व में कुल कितने देश हैं एक सौ देश सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है तो छः हजार डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पर्याप्त होता है तो विटामिन डी होता है नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई यूपी ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होते हैं ये यूपी ट्रिपल एस का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम दोगे ना यूपी ट्रिपल अस्सी का ये क्वेश्चन आपको देखने को हंड्रेड मिलता है ठीक है कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुई तो उन्नीस में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में ये कारनामा हुआ था ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवेंटी फोर किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस क... थॉमस कप दिया जाता है तो बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है सिक्स सेवेंटी फाइव डिएगो मार्डोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है तो फुटबॉल से है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है आपकी बांग्लादेश से और भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी गोंड जनजाति मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है आपकी बिहार की है और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है एपी कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में और भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है आपका जम्मू एंड कश्मीर में शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है तो 64 होती है और शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है आपका गोल्फ से 685 सिख धर्म की स्थापना किसने किसने की थी गुरु नानक देव ने नेक्स्ट है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है वैशाखी होता है और किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है तो कनाडा की जो समुद्री सीमा है वो सबसे बड़ी मानी गई है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स एट्टी एट किस देश किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है तो चाइना की ठीक है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स एट्टी नाइन पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो साहित्य में और ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं उस टाइम पे ज्वार सबसे ऊंचा होता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है तो थ्री रेशियो टू सिक्स नाइन्टी टू भारत के रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है तो आपका के कस्तूरी रंजन साहब नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सौ तिरानवेवा सदस्य कौन सा देश बना था तो दक्षिणी सूडान और नेक्स्ट है सिक्स नाइन्टी फोर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपका न्यूयॉर्क में नेक्स्ट है कि भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है तो ये एक टैंक है जिसका नाम है विजयंत क्वेश्चन नंबर सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था तो रसिया से सिख सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी तो गुरु अंगद देव ने सिक्स नाइन्टी एट सिख धर्म का संस्थापक किस सिख किस सिख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक देव को नेक्स्ट है 699. कि किस भारतीय नेता को भारत का लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई

किस प्रक्षेपास्त्र का प्रशिक्षण किया था तो पृथ्वी का नेक्स्ट है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां पे और कब जीता था तो मॉस्को में जीता था 1980 में संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसने चुना गया था तो सच्चिदानंद सिन्हा को 705 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थान स्थानांतरित की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी का कारखाना है तो बरौनी में है नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट होता है नेक्स्ट है सेवन जीरो एट किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था तो अंकोर वाट का जो मंदिर था सेवन जीरो नाइन भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है कालिदास को सेवन वन जीरो भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था दो साल ग्यारह महीने और अट्ठारह दिन में बनकर के तैयार हुआ क्वेश्चन नंबर सात सौ ग्यारह कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे तो पल्लव राजा नरसिंह बर्मन ने बनवाया था महाभारत के रचयिता कौन है तो महर्षि वेद्यास हैं विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है तो मबीबा है जो कि कहाँ पर है इराक में क्वेश्चन नंबर सात सौ चौदह विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी आपकी वर्ष 1945 में 715 स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है तो आयरन और क्रोमियम निकल की ये मिश्र धातु मानी जाती है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वन सिक्स पे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए तो सत्रह मीटर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सात सौ सत्रह विश्व में अभ्रक जिसको माइका बोलते हैं का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है आपका भारत में नेक्स्ट है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है श्री माओ भंडार नायके आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन वन नाइन पे कि काकुरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब सेवन ट्वेंटी है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था तो चाइना में हुआ और दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपका काठमांडू में है यहीं आपके सामने अगला ही क्वेश्चन है कि जो दक्षेश है उसमें कितने देश सदस्य हैं तो ये आपको जानना होगा कि आठ देश हैं आपके सामने भारत है नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव्स भूटान पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है ये आठ देश हैं जो दक्षेश के सदस्य हैं आगे हम बढ़ रहे हैं सेवन ट्वेंटी थ्री पे कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को 724 तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहां पर किसके संरक्षण में हुई थी तो 250 सौ बीसी में पाटिल पुत्र में अशोक के शासन काल में ऐसा हुआ था 725 ट्वेंटी कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी तो किरण बेदी भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी तो राजकुमारी अमृत कौर है ना नेक्स्ट है 727 मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है तो सिनकोना से और महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था तो एक हजार पच्चीस ईस्वी में 729 विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस कब और किस देश में मनाया जाता है तो ये कोरिया में मनाया जाता है 15 अगस्त को ही जैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे होता है ऐसे कोरिया में भी होता है नेक्स्ट है 730 विश्व युद्ध कब लड़ा गया था तो 1914 से और 18 के बीच में 731 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है तो ये 500 सेकंड लेता है 732 सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो इसको हम लोग एक्टियोमीटर कहते हैं सेवन थर्टी थ्री किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनामो और किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से रखा गया है तो मैट सेट ठीक है चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन थर्टी फाइव पे कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है आपका टेनिस से है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था एल्फ्रेड नोबल साहब ने सेवन थर्टी सेवन भारत की स्थलीय सीमा कितनी है तो पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर स्थलीय सीमा मानी गई है सेवन थर्टी एट भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जे पी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सेवन थर्टी नाइन मछली किसकी सहायता से सांस लेती है इजी सा क्वेश्चन है गल्फड़ों सेवन फोर्टी की मणिपुर की राजधानी कौन सी है आपकी इम्फाल है सेवन फोर्टी वन भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका केरल में सेवन फोर्टी टू भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल और शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है तो ये आपके लीवर में बनता है सेवन फोर्टी फोर शरीर में सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है आपकी नेक्स्ट है शुष्क क्षेत्रीय की वान की वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है आपका जोधपुर में एक्चुअली क्या है ऐसे लगातार बोलते तो ऐसे थोड़ा टंग स्लिप हो जाती है आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है कोई चीज मुझसे गलती हो जाती है तो बुरा मत मानिए क्योंकि लगातार ऐसे चलने में हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिस हो जाए या फिर मेरी टंग स्लिप हो जाए तो माइंड मत करना वो बात नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लूंगा है ना चलो नेक्स्ट है हमारा कि 746 फोर्टी शेर शाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया था सासाराम जो कि कहाँ पे है बिहार में किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है आपकी चाइना के साथ और किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है आपके जापान को जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है आपका पारसी का और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं ऋषभ ठीक है आगे बढ़ रहे हैं सेवन फिफ्टी वन पे भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है आपकी सिलवासा भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब सेवन फिफ्टी थ्री संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी चौबीस अक्टूबर उन्नीस को सेवन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे तो ये त्रिगवेली साहब थे सेवन फिफ्टी फाइव भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इस पर स्टार लगा लो यूपी में होने वाले जो भी पेपर होंगे उसमें पूछा जाता है साथ ही साथ सी एच एस एल के एग्जाम में ये क्वेश्चन रटा हुआ है हमेशा आता है, है ना सेवन फिफ्टी सिक्स भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है लोकसभा और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था तीन सौ छब्बीस बीसी में सेवन फिफ्टी एट सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है आपका नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल मतलब क्या हो गया वहाँ पर क्या होता है पैसे छपते हैं नेक्स्ट हमारा है 759 फिफ्टी नाइन किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है आपकी नागालैंड की और किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में 761 सिक्सटी वन भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था सन उन्नीस में और भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बार स्वर्ण पदक जीता है तो ये आपका हॉकी में सेवन सिक्सटी थ्री संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यहीं पे क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो भीमराव अंबेडकर साहब नेक्स्ट है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था गया में और किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है आपका लोथल में किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है आपका जयपुर को और किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आई टी पार्क स्थापना की गई है आपकी कोलकाता में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपका कह सकते हो जोग जलप्रपात या फिर गरोसोप्पा जलप्रपात जो कि कहां पे है सरावती नदी जो कि कहां है कर्नाटक में नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 770 पे भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है आपका फेरी क्वीन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था सारनाथ में और महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे आपके कनिष्क के विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है आपका लेगजम 774 विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है आपका अल अजीजिया सेवन सेवेंटी फाइव सौर मंडल की आयु कितनी है फोर पॉइंट सिक्स अरब वर्ष है स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने विश्व में कौन सा देश है जहां पर एक भी सिनेमा घर नहीं है तो आपका भूटेन भूटान में एक भी सिनेमा घर नहीं है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपका मैक्सिको और काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है आपका असम में नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन एट्टी पे कि कायांतरित कौन सी शैल है आपकी संगमरमर की शैल है सेवन एट्टी वन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसको हम लोग शार्क बोलते हैं कि स्थापना कब की गई है वर्ष नाइनटीन हंड्रेड एंड एट्टी फाइव को दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा था एम एम एंड सेन तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था आपका अकबर में और तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया है आपका मध्य प्रदेश भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी आपकी सरोजनी नायडू और यहीं पर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है आपकी प्रतिभा पाटिल मनुष्य के शरीर में कितने गुड़ सूत्र होते हैं तो देखो ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को अगर पूछा जाता है कि कितने गुड़ सूत्र होते हैं तो आप इसमें बताओगे फोर्टी सिक्स है ना लेकिन अगर वहीं पे क्वेश्चन में जोड़ा दे देता है पेयर दे देता है तो आप बताओगे सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी है ना इन दोनों क्वेश्चन को कन्फ्यूज़ मत होना बहुत बार ऐसे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं है ना चलो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था आपको पता होना चाहिए कुत्ते को को विश्व विश्व रेड रेड है है कि विश्व दिवस किस तारीख मनाया जाता है? आपका 8 मई को विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है 3 दिसंबर को और सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है आपका इस्लाम धर्म से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है वन पॉइंट किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला है तो ये आपके अमृत सेन को मिला है ना आगे हम लड़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 794 किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है आपका बास्केटबॉल में नेक्स्ट है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी दसों विकेट लेने वाले भारतीय कौन है आपके अनिल कुंबले साहब डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है आपका टेनिस में और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था क्लेमेंट एटली साहब ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे सी रा, आ, सी राजगोपाला चारी मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं गलफड़ों के और मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है विटामिन डी की प्रचुरता होती है ठीक है तो 800 क्वेश्चन हमने यहां पर कवर कर दिए हैं मुझे पूरी उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है फिर से आपको याद दिला दूं यहां पर राइट साइड में आपको तीन डॉट यानी तीन बटन दिख रहे होंगे उस पर आप क्लिक करोगे नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा वहां से मेरी स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हो ना क्योंकि रिविजन सेशन है तो बहुत धीरे धीरे चलूंगा तो कोई फायदा नहीं है मेरा भी टाइम वेस्ट आपका भी टाइम है ना चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट जीरो वन पे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है ना चलो भाई 801 भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है आपका दिल्ली में भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है अरब सागर शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं भगत सिंह शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है अशोक चक्र शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है अफगानिस्तान को श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है एक मई को और किस देश में सूची स्तंभ जिसको पिरामिड कहते हैं पाए गए हैं आपके मिश्र में किस देश से अलग होकर वर्ष उन्नीस में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है तो पाकिस्तान और जी एर की फुल फॉर्म क्या है जनरल एंटी रूल्स 810 जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था सन 1956 को और भारत के संसद में अंग होते हैं कौन कौन से एक राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है तो भारत के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है बान की मून और संयुक्त राष्ट्र संघ महाभाष महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बारह अनुसूचियां और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया उन्नीस को सालरगंज म्यूजियम कहां पर स्थित है है आपका हैदराबाद में है ना आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है आशा पूर्णा देवी किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में और किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी तो अकबर ने भारत ने किस वर्ष और कहां पे हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था तो वर्ष उन्नीस में कहां पे एम्स्टरडेम में 822 भारत ने नौसेना के लिए नाभकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी वर्ष 1988 में संसद का उच्च सदन कौन सा होता है राज्यसभा और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है आपके राष्ट्रपति किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद और किसके दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस को मनाते हैं 827 किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेर सासुरी और किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं को कहते हैं तो ये बयालीसवां संविधान संशोधन था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है तो भैया हमने 828 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं एक सेकंड आप रुक जाओ बस मैं पानी पी लूँ फिर कंटिन्यू करते हैं रुकना नहीं बिल्कुल भी ठीक है स्टार्ट करते हैं 829. भारत का सबसे पुराना संयुक्त राष्ट्र बैंक कौन सा है इलाहाबाद बैंक नेक्स्ट है 830. भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है हीराकुंड बांध और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था कस्तूरबा गांधी नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे एंडमंड हेलेरी साहब एट विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है 16 अक्टूबर और सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है जादवपुर में सेल्युकिस uh, का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था तो मेगास्थनीज था नेक्स्ट है 837 कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली uh, पहली महिला कौन थी जापान की जुनको को बाई नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है तो अमेरिका की राष्ट्रपति नेक्स्ट है कि कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट है कि कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं स्पेन थल सेना दिवस कब मनाया जाता है पंद्रह जनवरी थॉमस कप किस खेल से संबंधित है आपका बैडमिंटन से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 843 पे ताजमहल कहाँ पर स्थित है आपका आगरा में ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे तो 20 साल लग गए भारत की पहली मिसाइल विभेदी पंडुब्बी कौन सी होती है आई एन एस सिंधु शस्त्रा नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है इंदिरा गांधी और मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है 80 से 120 मिलीमीटर नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं सबको पता है 206 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है जिनेवा जो कि कहाँ पे है स्विट्जरलैंड में 850 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी उन्नीस में तो हम लोगों ने देखते देखते साढ़े क्वेश्चन कवर कर दिए हैं लाइक्स अभी भी बहुत कम है तो कम से कम लाइक तो कर ही दो है ना इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक एक लाइक तो बनता है चलो स्टार्ट करते हैं एट फिफ्टी वन पे सुंदर लाल बहुगुड़ा का संबंध किस आंदोलन से है चिपको आंदोलन सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था एडोल्फ हिटलर साहब ने आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 853 पे किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है एलिफेंटा में किस ग्रह के चारों ओर विलय है आपके शनि वलय है आपके शनि नेक्स्ट है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था जॉन लोगी जॉन लोगी बेर्ड भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है इकसठ किलोमीटर भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी वर्ष 1948 में और भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था दो और तीन दिसंबर उन्नीस की आधी रात को मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है तमिलनाडु को और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एट भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अम्बेडकर 861 हो गया 862 की बात करते हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने शाहनामा किसकी कृति है तो फिर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है 20 हर्ष से बीस हजार हर्ष और श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है वहां पे भी रुपया चलता है नेक्स्ट रुपया मतलब अपने यहाँ का रुपया नहीं उनके यहाँ का श्रीलंकन रुपये चलते हैं लेकिन नाम उसका रुपया ही है 866 किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तांबा किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है नैनीताल के पास जो कि कहाँ पे है उत्तराखंड में जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है जिम्बाब्वे की और भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया छब्बीस जनवरी उन्नीस में भारत कोकिला कौन कहलाती है सरोजनी नायडू संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो ये दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं पंद्रह देश भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है पायलट अफसर का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था तो अनुच्छेद 370। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है नवंबर से ये स्टार्ट हो जाते हैं आगे बढ़ रहे हैं एट पे सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता जिसको हम लोग साफ्टा बोलते हैं कब से लागू है तो 1 जनवरी 2006 से किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है तो संपत्ति का अधिकार को नेक्स्ट है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था तो माउंट योजना माउंट बैटन योजना के फलस्वरूप नेक्स्ट है कि भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता बताया मैंने अभी आपको एम्सिडर में 881 भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था 18 मई 1974 को संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है तो छह महीने की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं 884 किसके नेतृत्व में सत्रह में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो जॉर्ज वॉशिंगटन नेक्स्ट है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी बालाजी बाजी राव 886 किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है छियासीवा संविधान संशोधन था 887 किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तिहत्तरवां संविधान संशोधन और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है आपका भारत रत्न है और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी की हत्या कब किसने की थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड़से ने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 892 पे कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ग्यारह जुलाई विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है पांच अक्टूबर और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है आपका बुद्ध ग्रह नेक्स्ट है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है आपका जापान और विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा एक मिनट विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है आपका सहारा जो कि कहाँ पे है अफ्रीका में कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है आपका हीरा नेक्स्ट है 899 काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है आपका कपास के लिए और त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी बांग्ला बोली जाती है देखो 900 क्वेश्चन कवर कर दिए और काफी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लग रहे हैं कि इसकी पीडीएफ 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 देखो ये जो 1000 हजार क्वेश्चन है ना इसको मुझे टाइप कराने में बहुत मेहनत लगी है और पैसे भी लगे हैं ठीक है थीके? तो ये एक क्वेश्चन ना आपको सिर्फ और सिर्फ मैं पच्चीस में दे रहा हूँ कितने ट्वेंटी में इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा यहाँ पे आई क्या रही है ऋषभ डॉट श्री वहां पर मुझे मैसेज करिएगा और वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है जैसे ही इसका इस पीडीएफ का जितना भी खर्चा लगा निकल जाएगा फिर मैं फ्री में प्रोवाइड करने लगूंगा सभी को दे दूंगा ठीक है चलो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन जीरो वन पर और पीडीएफ की क्या ही जरूरत है मैं तो एक हजार क्वेश्चन कराई दे रहा हूं जिनको ज्यादा जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर देना मैं आपको दे दूंगा है ना चलो नाइन हंड्रेड एंड वन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है जिला परिषद तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था राजा राज राजा, प्रथम चोलने। नेक्स्ट है तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है आपका भूटान और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी रजिया सुल्तान और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है आपके रेटिना पे मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है सैतीस डिग्री सेल्सियस या फिर आप फॉर फॉरन हाइट में कहें तो नाइनटी एट विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है एक मई को और वेदों की ओर लोटो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था बहुत ज्यादा बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको वेदों की ओर का आपको दिख जाएगा है ना आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था आपका लोथल और किस ग्रह को साध तारा कहते हैं जिसको हम लोग शुक्र बोलते हैं किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊट को टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी श्री पट्टनम नेक्स्ट है टेलीविजन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भारत के कितने प्रतिशत भू भाग पर वन है तो 19 प्रतिशत शायद ये डेटा थोड़ा सा बढ़ गया है इसको क्रॉस चेक कर लेना नेक्स्ट है कि भारत की किस राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती है सिक्किम की भू रक्षण को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है सीढ़ीदार टीला बनाकर और बांध बनाकर ठीक है नेक्स्ट है नौ नौ सौ भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है छत्तीस हजार किलोमीटर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है 5 सितंबर शिक्षा की किंडर गार्डर कि, किंडर गार्डन पद्धति किसकी देन है तो ये फ्रोबेल साहब की है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे जनरल मोनिक शाह श्रीलंका का पुराना नाम क्या है सिलोन और संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है चूना पत्थर का किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं तो कोशी नदी को और किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और नेक्स्ट क्वेश्चन है 927 जापान की मुद्रा क्या है आपकी येन बढ़ रहे नाइन ट्वेंटी एट पे जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था 1945 को और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था यह आपका आर्यभट्ट था नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य हैं आपके पांच हैं और संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है तो बाईस भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या चौबीस होती है और भारतीय वायुसेना कितने कमानों में संगठित की गई है तो पांच कमानों में संगठित की गई है बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 935 पे सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है आपका ब्राजील का है और सांबर झील किस जिसके नमक बनता है वो किस राज्य में स्थित है आपका राजस्थान में किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है आपका बैगनी का और किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे तो मोहम्मद मु, मु, में किया था 940 भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद और संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है आपका वेल मछली संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है जापान का और किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत आया था तो मोहम्मद बिन के। Next है 944 किस किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसे किस किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जुड़ा गया तो बयालीसवां संविधान संशोधन 946 किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफर नामा लिखा था तो गुरु गोविंद सिंह ने 947 भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है परम वीर चक्र भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का किताब जीता था तो रीता फारिया ने आगे बढ़ रहे पे कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया तो अहमदाबाद में महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो दो अक्टूबर को मनाया जाता है आपको पता होगा साढ़े नौ सौ क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं 50 क्वेश्चन और बचे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितने भी लोग मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं अचानक से चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा ठीक है बाकी पी डी एफ कहाँ मिलेगी आपको मैंने बता दिया इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा सिर्फ ट्वेंटी फाइव रुपीज़ पच्चीस रुपये पे करिएगा एक हज़ार क्वेश्चन लूस एंड जी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा ठीक है चलो समझते हैं नाइन फिफ्टी वन को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है आपकी डेल है विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है China, जो की चीन की के नाम से फेमस है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है आपकी हाइड्रोजन और सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है तो विकिरण विधि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है पांच जून को और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बाईस अप्रैल को कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान एक डिग्री सेल्सियस की कमी करता है तो एक मीटर जैसे ही आप जाओगे तो क्या होगा तापमान एक डिग्री कम हो जाएगा आ, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है जम्मू से कन्याकुमारी तक और तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था तेरह में त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध धर्म जो कि पाली भाषा में है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है आपका फुटबॉल से और डेविस कप का संबंध किस खेल से है आपका टेनिस से नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेखा कौन सी होती है तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद से होकर के गुजरती है और इलाहाबाद में भी कहां से होकर गुजरती है यह जिसको पता होगा जिसने भी इलाहाबाद में तैयारी की होगी उसको पता होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इलाहाबाद में कौन सी जगह से होकर के गुजरती है आगे बढ़ते हैं 964 पे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणम किनारा कौन सा होता है आपका कन्याकुमारी और मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य सात राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है आपका असम मनुष्य का वैज्ञानिक नेम कौन सा है होमो सेपियंस और सख्त संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था बाईस मार्च उन्नीस को सख्त संवत का प्रारंभ किया गया अठहत्तर ईस्वी में और सितार और तबला का आविष्कार किसे माना जाता है अमीर खुसरो को आगे बढ़ते हैं नाइन सेवेंटी पे कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है आपका पारा या फिर मरकरी का एक बात और बता दूं जिसने भी पार्ट वन जैसे इस सेशन में हमने 501 से और 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे लेकिन जिसने एक से लेकर के और 500 क्वेश्चन नहीं देखा उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है आप वो सेशन भी पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है 971 किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होता है तो माइनस चालीस डिग्री पे किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है तो लेग्जम की छीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है उदयपुर को और टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है सीसे का भारत में किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है आपकी कर्नाटक में और भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका पश्चिम बंगाल में भूटान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने और भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है एलमोनियम शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है ग्यारह नवंबर अस्सी में भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे गणेश वासुदेव मालोंकर और भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है पोर्ट ब्लेयर और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है चौबीस अक्टूबर को किस बौद्ध विपक्ष के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उपगुप्त के किस भारतीय खिलाड़ी को जाम्बो के नाम से भी जाना जाता है तो अनिल कुंबले राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है आपका घूमर है और जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या है मेहरून निशा है ना आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 989 पे कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है आपका एडू सेट भारत ने अपना प्रथम आर्विक परीक्षण कहाँ पर और कब किया आपका पोखरण में किया था 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी और संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है धारा तीन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद तीन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्नीस के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे ए ओ ह्यूम्स और सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है आपका बिहार का सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वन की गति कितनी होती है तीन मीटर पर सेकेंड और किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं आपका उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं अस्सी सीटें और इस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे यानी कि पैर रखा था सन उनहत्तर में है ना कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से समझाने की इसकी पी मैंने आपको बताई है इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा रिशभ डॉट श्री और वहाँ पर आपको सिर्फ़ पच्चीस रुपये पे करने हैं और आपको एक हज़ार क्वेश्चन की लूसन जी के की पूरी की पूरी पी डी एफ वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके और जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा